દીવાનું માતા નથી બાવાને પ્યાર છે આપ બીજે બાવા પ્યાર નહીં લેતા બટ્ટી કરકે આવ્યો એ નયા બચ્ચે હે ના પર્સનલ વાત એ મને આઈ છે જનરલ વાત કરી લીધે જનરલ વાત કરને કેટલા ડાયરેક્શન મળેગા વૈસે કરે ફીલર એને કામ ના સમજી बाबा के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी युक्ति है। ज्ञान की बातों का समाधान हो, आत्मा क्लियर हो जाए, वो ज्यादा प्यार है। ऊपर से बातचीत कर ली, वो ज्यादा प्यार है। आत्मा क्लियर हो जाए, आत्मा क्लियर हो, आत्मा अंदर से क्लियर हो जाए, वो ज्यादा प्यार है ना। आप जानते हैं कि इनके अंदर कोई अटक है, वो अटक अटकाती है। देर आ रही से प्यार जुड़वाती है और निराकार से प्यार पड़ता है। होना चाहिए क्या? हमेशा उसी में रहे, हम किसका लेते हैं? अभी जो हम ज्ञान धन ले रहे हैं वो किसका ज्ञान धन ले रहे हैं? साकार का ले रहे हैं या निराकार से ले रहे हैं? देने वाला कौन है? निराकार है ना, वाला निराकार है ना, है साकार में, लेकिन साकार यंत्र है ना, लेकिन साकार से क्या करता है? साकार है लेकिन देखता तो निराकार है। साकार के द्वारा देता है, लेकिन जिस साकार के द्वारा देता है वो भी कायदे कानून पाप पूर्वक देना चाहता है कि बेकायदे। दुनिया में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के बाद वो जब तक नए बाप के घर में जाकर के जन्म न ले तब तक उसका नए बाप से कोई संबंध नहीं होता। 9 महीने पेट में पकना जरूरी है। अगर 9 महीने पेट में नहीं पकता है तो वो बच्चा बाप के घर में जन्म लेने का अधिकारी नहीं बनता। ये बेहद का ज्ञान है। वो हद की दुनिया है और ये ब्राह्मणों की हद की दुनिया है। यहाँ भी 9 दिन का ज्ञान गर्भ है, जिसे भट्टी कहा है। बोलने 7 दिन की भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। जब जाते हैं पार्टी बना करके तो ज्ञान का ही लेन देन करते हैं या बुद्धि को कुछ और होता है? ज्ञान का ही लेन देन करते हैं। और वहां से जब 7 दिन भर करके आते हैं तो रास्ते में ज्ञान का ही लेन देन करते हुए आते हैं, कुछ और बुद्धि में रहता है? ज्ञान की ही बातें बुद्धि में रहती है। वहां 7 दिन जो भट्टी में रहते हैं उसमें न बाहर की दुनिया कट हो जाती है, किसी से बात भी नहीं कार्य करना है, फोन से बाहर का खाना भी नहीं खाना है, बाहर की दुनिया वालों से कुछ लेन देन भी नहीं करना है कि मार्केट करे आओ। जैसे पेट में बच्चा अंदर ही अंदर पकता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट। ऐसे 7 दिन की भट्टी होती है, उस भट्टी का महत्व ब्रह्मा कुमारियां नहीं बता देंगी। क्यों नहीं बता देंगी? क्योंकि उनका लक्ष्य है पैसे कमाने का। इसलिए 3 दिन आओ और 3 दिन में भट्टी पूरी करके वापस जाओ। बाप तो कहते हैं ये 7 दिन की भक्ति करना बहुत जरूरी है। जिसका गायन भक्ति मार्ग में चलता है 7 दिन का सप्ताह, ये भक्ति जब तक पूरी नहीं की है तब तक बाप से मिलने से भी कोई फायदा ही नहीं होता। पहले बाप का बच्चा बनना पड़ेगा। एक होता है दर्शन करने का लक्ष्य, इन आंखों से बाप दिखाई पड़ेगा नहीं? बाप तो निराकार है, इन आंखों से आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती, तो बाप कैसे दिखाई पड़ जाएगा? जब आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है इन आंखों से तो बाप के दिखाई पड़ने का तो सवाल ही नहीं। बाप तो तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है और वो तीसरा ज्ञान नेत्र वो गर्भ में ही, वो जो बच्चा पैदा होता है उसको गर्भ में ही आंखें तैयार होती।
बाहर की दुनिया में जो भी सुनाएंगे तो थोड़ा बुद्धिमान हो सकता है, ये सुनाते हो असली स्थान पर पहुंचेंगे तो विश्वास बैठेगा। ये बात का धर्म एक ये भी पहचान बताइए जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वो अपने को रोक नहीं सकेंगे। उनसे जो बताओ भट्टी करें, अच्छा भट्टी करनी पड़ेगी, घर भट्टी भी करेंगे लेकिन बाप से हम जरूर मिलेंगे, लगन लग जाएगी मिलने में। दूसरी पहचान एक और है निश्चय बुद्धि की, वो आत्मा दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकेगा। जिसकी बुद्धि में बाप की पहचान बैठी होगी वो दूसरों को बाप की पहचान जरूर देंगे, अपने को रोक नहीं सकती। और अपने कुल की ये पहचान बताई कि थोड़ा भी सुनेगा तो उसकी बुद्धि में झट बैठ जाएगा। अपने कुल का होगा तो ज्यादा खींचता नहीं करेगा, ढेर सारे सवाल जवाब कोई करते हैं उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, एक बार सुनते हैं, दो बार सुनते हैं, दस बार सुनते हैं, बात मानते ही नहीं, तो समझो वो हमारे कुल का है ही। आधा बात मानता आधा बात नहीं, आधा नहीं मानता तो भी हमारे कुल का नहीं, वो आगे चल के धोखा दे जाएगा। फाउंडेशन में ही जब उसका ये हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा, वो 4.5 लाख की गिनती में नहीं आएगा जो बाप का बच्चा बने डायरेक्ट, फाउंडेशन ही गलत पड़ गया। बाबा विष्णु की पालना किन बच्चों को मिलती है? विष्णु की पालना उन बच्चों को मिलती है जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं जन्म जन्म अंतर के। विष्णु माना प्रवृत्ति मार्ग बाबा ऐसा है तो जो हम आलमाइटी बाबा को शिव बाबा को जो पत्थर लिखते हैं क्या ब्रह्मा उसका जवाब तो हमें मिलना चाहिए ना, अभी तक कभी मिला नहीं, मतलब पहुंचा होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अब बड़े बड़े आदमियों के लिए पत्र का जमाना खत्म हो गया है, अभी आजकल मोबाइल का जमाना निकल गया है, तुरंत तुरंत बात करो, तुरंत जवाब लो, कौन 7-7 दिन 8-8 दिन तक इंतजार करेगा? 7-8 दिन में चिट्ठी पहुंचे, 7-8 दिन में वापस आए, फिर 7-8 दिन में लिखी जाए, हजारों की हजार तादाद में लेटर पहुंचने लगे हैं, उनको पढ़ना भी मुश्किल हो गया है, पढ़ करके सुनाना भी मुश्किल हो गया है, फिर उसका जवाब लेकर के उसे जवाब लेकर के पहुँचाना मुश्किल हो गया है। अभी तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बाबा के पास तो पत्थर पहुँचते हैं, आपके पास तो तुरंत की तुरंत कान में आवाज पहुँच जाती है, और फिर कोई हमने समाधान उसमें पूछा होता तो हमें कैसे पता लगेगा? बाप खुद आकर के सामने समाधान दे देते, समाधान जो सन्मुख मिले वो ज्यादा पावरफुल, या जो पत्र से मिले और दूसरे दूसरे साधनों से मिले जो वो ज्यादा पावरफुल। मुरली कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है? एक मुरली होती है कागज पर पड़ी हुई, एक मुरली होती है पत्र में पड़ी हुई, पत्र में बाबा जो लिखते हैं, और एक मुरली है सन्मुख। ज्यादा पावरफुल मुरली कौन सी है? आपको तो पावरफुल जवाब मिल जाता है, हर 2-4 महीने के बाद बाबा से मिलते रहते हैं आप, ऐसे क्यों कहते हैं? मुझे ये बाबा को शायद पत्थर मिलते ही ना, ये भी हो सकता है, बड़ी बात है, बाबा को ढूंढते रहते हैं 2-4 दिन के लिए पहुंचे भी तो उसमें उतना ढेर के ढेर पत्र पहुंच रहे हैं, कोई बिजली हो सकते हैं। और ये भी बात नहीं है कि कोई भी पत्रों का जवाब पहुंचता ही नहीं, यहाँ भी ऐसे होंगे जिनके पत्रों का जवाब पहुंच रहे होंगे,
कौन नहीं पहुँच रहे हमने पोता में भी भेजा उसके भी कोई पोता मेल का कोई जवाब नहीं दिया जाता है आजकल गवर्नमेंट पकड़ रही है ये क्या आप सबकी रूपोर पट्टी खोल खोल करके अपने पास रखते हैं जरूर आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने वाले होते हैं ना वो ब्लैकमेल करते हैं और पैसा कमाते हैं डर दिखाते रहते हैं ए हमें तुम्हारी ये लूपहोल पता चल गई अगर तुम हमको इतना पैसा नहीं दोगे तो अभी हम भंडा फोड़ करते हैं पोता मेल को जवाब नहीं दिया जाता है इसलिए बाबा ने नियम बनाया पोता मेल तुरंत पढ़ो और तुरंत पढ़ के पढ़ो फार्म भेज दिया जाए और बाबा भक्ति मार्ग में लाने का रामायण में पढ़ा है जब राम जाते हैं भरद्वाज आश्रम में बोली तो वो उसको अपना परिचय देते हैं कि अयोध्या के महाराजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है ऐसा अच्छा से कुछ रहता है वहाँ लिखा होगा मैंने तो उनके शरण में जाकर के उसने ऐसे बोला तो वो दशरथ का पुत्र मैंने हमें हमें समझ से बाहर है ये क्या इंसान का चित्र देखा है हाँ कितने बैठे हुए हैं झाड़ के चित्र के नीचे कितने रथ बैठे हुए हैं दस रथ बैठे हुए हैं तो ये दस रथ का जब काम ये चित्र कब बना था ये कितना संसार का बना हुआ है ना जब सात का चित्र बना हुआ है और संसार में बाबा ने शरीर छोड़ दिया इसका मतलब है ये दस और रथ साठ से सत्तर के बीच और उससे पहले ही यज्ञ के अंदर तैयार हो चुके थे या नहीं हो चुके थे दस रथ दस और रथ जिनका पुत्र राम कहा गया वो ये दस तो ये दस रथ जो बैठे हुए हैं संगम युग पर बैठे संगम युग पर ही तो और राम कब हुआ था आप क्या समझते हैं पहले दस रथ ही तैयार होंगे ना तो दस और तैयार हो चुके थे दस रथ जब तैयार हो गए तब राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है हमारे जन्म लेती तो ये दस रथ है उनमें दो रथ तो वो यज्ञ के आदि के ही है प्रजापिता और ब्रह्म जो जरों के नीचे दिखाए गए हैं और चार इधर और चार उधर लेफ्ट और राइट वो दस और हैं जो नारायण बंद हैं और सारा समझ में आएगा अभी क्या एक बात हो रही है और नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही समझ आ रहा है अरे अभी तो आप जिनको समझाएंगे उनको पूरा ही समझाएंगे उनको तो दो चार मिनट का गैप देंगे तो क्लास पूरा हो जाएगा भगवान सीता जो अपना रावण की जेल में थी तो रावण तो कहता था ये अशोक बालिका लेकिन जब हनुमान जी गए तो उन्होंने सीता से ये पूछा तो सीता ने बोला कि ये अशोक बालिका है अशोक बालिका नहीं तो उसने भी हनुमान ने भी रावण को बताया कि आप राम की शरण में चले जाओ और सीता को छोड़ दो उधर अपने अंगद ने अपने भविष्य ने भी बोला कि भाई राम आए हुए हैं तो आप उनकी शरण में चलो तो सीता को भी मुक्ति मुक्त करो ओ
रावण कहता था ये बोल चलता हुँ? रावण कहता है वो बता रहे थे पीछे दे रहे थे कि राम आएंगे। दुनिया में आज 500 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो रावण राज्य की दुनिया है कि राम राज्य की दुनिया है? रावण। अच्छा उस दुनिया की बात छोड़ दो, ब्राह्मण उस दुनिया के अंदर आ जाओ जहाँ की सारी यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो 500 करोड़ की दुनिया की लिखी हुई है या ब्राह्मण दुनिया की यादगार की बातें लिखी हुई है? सूक्ष्म संगम जिसकी ही सारी बातें लिखी हुई है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण है या नहीं है? जो जड़ों पर बैठे हुए हैं उनमें लेफ्टिस्ट है या नहीं है? और उन लेफ्टिस्ट के प्रभाव में आने वाले दाई ओर के ब्राह्मण है या नहीं है? वो भी है। और फिर उन सबसे प्रभावित होने वाले राम कृष्ण की आत्माएं भी बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है? जो अंतिम जन्म में तो प्रभाव में आ ही जाती है, राम की आत्मा और जन्मों में प्रभाव में नहीं आती, संघर्ष करती रहती है, लेकिन अंतिम जन्म में तो प्रभावित हो जाती है। दुखी होती है या नहीं होती है? वो भी दुखी होती है। तो सभी तो उस रावण राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है और रावण अपने को भगवान घोषित करता है। ये जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मेगा प्रोग्राम बन रहे हैं ये क्या साबित कर रहे हैं? जो पोस्टर बना बना कर छापे जाते हैं, तीन मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऊपर शिव का चित्र बनाया जाता है, ये क्या साबित कर रही है? हम ही की मूर्ति शिव है। तो रावण अपने को भगवान कहता है, वो राम को भगवान नहीं मानता। जब अपने को भगवान कहेगा तो सुख की दुनिया बनाने वाला होना चाहिए या दुख की दुनिया बनाने वाला अपने को कहेगा? तो क्या कहेगा? मैं अशोक वाटिका बनाने वाला हूँ या सुख वाटिका बनाने वाला हूँ? वो यही कहेगा, मैं तो अशोक वाटिका बनाने वाला हूँ। वो क्यों स्वीकार करेगा कि मेरी दुनिया शोक की दुनिया है? हाँ, जो विभीषण निकलते हैं या जो राम के भक्त निकलते हैं वो बताते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, ये दुख की दुनिया बना रहे हो, ये विचार की दुनिया है, सीता के ऊपर डोरे डालना बंद करो। क्या ये सीता विचार नहीं बनने वाली माता नहीं है? इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारा राज्य सब खलास हो जाएगा, तुम भी खलास हो जाओ। लेकिन अहंकारी की बुद्धि में कहाँ बैठता है? लास्ट में क्या मानेगा? जब सब खलास हो गया, कुल संबंधी सब खलास हो गए, तो मानना ही पूरा राज्य ही खलास हो गया। अभी तो मानने को लिए क्या हुआ, अभी सब सेंटर्स वाली बहने जो इंचार्ज बहने हैं जो जा रही है माउंट आबू में, और वो ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े पुराने पुराने स्टूडेंट सब एडवांस पार्टी वालों ने तोड़ लिए, शंकर पार्टी वालों ने तोड़ लिए। तो मानो वहां से हेड का क्या जवाब मिलता है? तुम नए नए निकालो, उनको पुराने तोड़ने दो। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि उन्होंने मान लिया कि वो उनकी नाली है, उनकी पढ़ाई है, और हमारी बेसिक नॉलेज की पढ़ाई है। हम बेसिक नॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ाए और वो ऊंचे स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ाए। ऊंचे स्टूडेंट ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? बेसिक वालों की संख्या ज्यादा होती है, वो ढेर ढेर निकलते हैं, और ऊंची नॉलेज पढ़ने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। अब अंत आ गया ना, तो अब अंत में वो भी समझ रहा है कि हाँ ये हम दुख की दुनिया बना रहे, दुख की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं। रियल में धर्मराज कौन है? जैसे देवियां होती हैं और देवियों की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा है और ब्रह्मा की हजार भुजाएं दिखाते हैं ना, हजार भुजाएं हैं तो उंगलियां कितनी होगी? दस हजार उंगलियां होंगी ना। अच्छा, 10,000 उंगलियों में से ब्रह्मा की 10,000 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ ली जाए है? और बच्चा कहे
कि ये हमारा ब्रह्मा बाप है, तो उसको क्या माना जाएगा? ब्रह्मा बाप ही माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा? बच्चा अपने बाप की या माँ की उंगली पकड़ता है और कहता है हमने अपनी माँ को पकड़ लिया, माँ ही कही जाएगी ना। तो ऐसे ही धर्मराज तो मूल रूप में एक ही है। धर्म का राजा कौन है? पूरी धारणाओं पर चलने वाला कौन हुआ? जितना भी ज्ञान समझा, चलो पूरा नहीं समझा, लेकिन जितना भी ज्ञान समझा उतने ज्ञान में समझने में धारणाओं का राजा कौन हुआ? ब्रह्मचर्य। मूल रूप में देखा जाए तो पूरे हुजूम के बीच में बैठ करके ब्रह्म की आत्मा धारणाओं का राजा कही जाएगी, क्योंकि उसने जितना सहन शक्तियों के गुणों का जो राजा है, सहन शक्ति सब गुणों के राजा सहन शक्ति, उसने जितना धारण किया है सहन शक्ति को, उतना और किसी ने धारण नहीं किया। अब आती है एडवांस की बात की, उन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं, तो कैसे कहें कि उन्होंने देवताओं की धारणा को धारण कर लिया? ठीक है, वो तो जड़ों के रूप में बैठी हुई आत्मा, उन जड़ों में भी कोई बीज होंगे ना जिनसे वो जड़ें निकली हैं। ज्यादा पावरफुल बीज होते हैं या जड़ें होती हैं? बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उन बीजों में सब धर्मों के बीज हैं या कोई धर्म ऐसे भी है जिनके बीज नहीं है? सब धर्मों के बीज उसमें बैठे हुए हैं। उनमें कोई सूर्यवंश का भी बीज होगा, उनमें कोई चंद्रवंश का भी बीज होगा, माना हर वंश, हर वंश का बीज उसमें मौजूद है। 108 की जो माला रुद्र माला दिखाई जाती है, जो बीज रूपी माला है, उसमें हर धर्म के बीज मौजूद है। ऐसा कौन सा धर्म है जो सब धर्मों का पूर्वज है? सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता, जो वो जो जड़े हैं और जो बीज है उसमें हर धर्म के बीज हैं। उन 108 में से पूछा जा रहा है, 12-12 के जो 9 ग्रुप हैं, 12 में 108, उनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है, कौन से धर्म का वो ग्रुप है जो सबका पूर्वज है? पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाला, पूर्व माने पहले, माने इस्लामी बौद्धियों से भी पहले जन्म लेने वाला, चंद्रवंशियों से भी पहले जन्म लेने वाला, सूर्यवंशी ग्रुप है ना। तो ये पक्का हो गया कि जो धर्मराज है, धर्म के धारणाओं को धारण करने वाला जो मूल बीज होगा वो कहां से होगा? सूर्यवंशियों में से होगा। सूर्यवंशियों में कोई जरूर ऐसी आत्मा है जो चंद्रवंशियों का भी बीज है? नहीं, राम वाली आत्मा चंद्रवंशियों का बीज है? राम सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे? भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है? राम सूर्यवंशी कहा जाता है, कृष्ण है चंद्रमा। तो नहीं, अब यहाँ बात वो तो कहीं जो चंद्रमा है वो तो चंद्रमा ही हो गया, लेकिन उनका भी बीज कौन है? राम वाली चंद्रमा का भी बीज कौन है? चंद्रमा का भी बाप कौन? बीज माने बाप, चंद्रमा को भी जन्म देने वाला कौन है? नहीं, चंद्रमा जो है खगोल शास्त्री है, वो लोग ये मानते हैं कि जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा सागर, जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ही नहीं सका है, इतना गहरा है वो प्रशांत महासागर, से जो हिस्सा टूटा है बिना किसी, वो चंद्रमा बन गया। ऐसे कहा तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है चंद्रमा, और वैसे भी किसका उपग्रह है?
चंद्रमा किसका उपग्रह है? सूर्य का उपग्रह है कि मंगल का उपग्रह है कि शुक्र का उपग्रह है कि बृहस्पति का उपग्रह है या पृथ्वी का उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह है। तो किसका बच्चा हुआ? पृथ्वी से पैदा है चंद्र, तो पृथ्वी का बच्चा हुआ। अब ज्ञान में आ जाओ, यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की पैदाइश डायरेक्ट किससे हुई? गीता माता धरणी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी है, पृथ्वी से पैदाइश हुई चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का टुकड़ा है, बच्चा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की रचना हुई। रचना और रचयिता की गुण एक ही होते हैं, तो वो चंद्रमा है, वो पृथ्वी है, उसमें भी सहन शक्ति का गुण है। किसमें? चंद्रमा, चंद्रमा में। लेकिन पृथ्वी में भी सहन शक्ति का गुण है। पृथ्वी पर इतने अत्याचार होते हैं, सहन कौन करता है? आज की दुनिया में जितने अत्याचार हो रहे हैं, कुमार सहन कर रहे हैं, अदर कुमार सहन कर रहे हैं, कुमारियां सहन कर रही हैं, माताएं सहन कर रही हैं, माता सहन कर रही है। तो पृथ्वी माता कही जाती है। और ब्रह्मा की चोल वो तो पृथ्वी माता में प्रवेश करती है। तो सहन शक्ति का गुण आ जाता है कि नहीं आ जाता होगा? आ जाता है। अब रही चंद्रमा और ये पृथ्वी की बात, वो तो हो गई चंद्रवंशियों की बात। रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का बीज कौन हुआ? जगदम्बा। पृथ्वी का पाठ बजाने वाली, पृथ्वी की जो राजधानी है वो कौन सी है? जगदम्बा रुद्रमाला वाला मरता हुआ ना, दो ऊपर वाले दो, हाँ ऊपर वाले दो मर्गों में से एक जगत पिता एक जगत माता। तो वो चंद्रवंशियों का मुखिया हो गया, हुआ ना। अच्छा, अब ये चंद्रवंशियों का जो मुखिया है वो पूर्वज तो नहीं है, पूर्वज सूर्यवंशियों में से होंगे या चंद्रवंशी रुद्रवंशियों में से होंगे? पूर्व तो सूर्यवंशियों में से होंगे। तो सूर्यवंशियों का जो ग्रुप है वो बारह में से जो आठ हैं वो है पूर्वज। उन्हीं को तो पूर्वज बताया, जो आठ पूर्वज हैं उनमें एक सूर्यवंश का बीज है, एक चंद्रवंश का बीज है या नहीं? तो जो चंद्रवंशियों का बीज है वो तो शिव की नगरी हो गई, शंकर की नगरी, शिव की नगरी, शंकर की नगरी कहूं, वो कौन सी नगरी हुई? काशी नगरी। ये हुआ ना। इस हिसाब से अब उस नगरी में जो क्या नाम, न्याय करने का जो कार्य है जिसे काजी कहते हैं, क्या चीफ जस्टिस कहते हैं, हाँ वो कौन होगा? कोई मणका ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस के रूप में काम करता है? नहीं, बाप तो प्रेसिडेंट है, बाप को अभ्य तमानी उंगलियों में प्रेसिडेंट बोला है। बाप क्या है? बाप तो प्रेसिडेंट है। धर्मराज के रूप में चीफ जस्टिस का पार्ट बजाने वाला फिर कौन है? ब्रह्मा कोमल हृदय वाला है या कि कठोर दिल वाला है? ब्रह्मा के भी पीछे और एक बता दिया जगदम्बा, वो उसकी भी मूल है, और जगदम्बा के भी पीछे एक और बता दिया कौन है? नहीं, जगदम्बा माने चंद्रवंशियों का बीज, काफी नगरी, चंद्रवंशियों का जो बीज है आठ है ना, आठ में सूर्यवंश का बीज तो बाप है, चंद्रवंशियों का बीज भी कोई होगा ना, काशी नगरी। उस काशी नगरी में भी
धर्मराज के रूप में कारोबार चलाने वाला चीफ जस्टिस भी कोई होगा या नहीं होगा? और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वनाथ हुआ नहीं, वो तो प्रेसिडेंट हो गया, वो तो अलग। कौन है? कठोर दिल वाला होना चाहिए या कोमल दिल वाला होना चाहिए? कठोर दिल वाला होना चाहिए। तो जितने भी धर्म है उन सब धर्मों में सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है? शंकर वाला। नहीं, वो तो प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। कठोर तो सिख धर्म। सिख धर्म अगर कठोर होता तो पंजू के अंत में जाके प्रत्यक्ष नहीं होता। इस्लाम। हाँ, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की आत्माएं जितनी कठोर हैं, वो अपनी बात में जो अड़ जाती हैं, किसी की बात नहीं मानती। उनके जो कायदे कानून हैं, उन कायदे कानून में अटल होती रहती। तो ऐसे ही उन पुरुषों में से कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है। हाँ, वो कायदे कानून पे इतना पक्का होगा जो बात कायदे कानून की वो ही चलेगी, दूसरी बात नहीं चलेगी। तो आठ में से वो निकला जाके धर्मराज का असली रूप। इसलिए दक्षिण भारत में जो अष्ट देवों के चित्र देखने में आते हैं, जो मूर्तियां मंदिरों में बनी हुई हैं, उनमें दक्षिण की साइड में क्या नक्शे में ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। दक्षिण की साइड में धर्मराज का रूप दिखाया है। वो धर्मराज जो है वो धर्म का राजा है। तो वो सबसे पावरफुल आत्मा भी नहीं, सबसे पावरफुल नहीं है, उससे ऊपर तो ईशान कोण में ईश्वर बैठा हुआ है। वो नीचे बैठा हुआ है और उससे ऊपर तो और भी बैठे हुए हैं, जैसा कि ये काम मिला हुआ है उनको। हाँ, जैसे किसी को काम मिल जाता है ना, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उनको ये काम मिला हुआ है कि जो लिखा हुआ है उस पर तुम पक्के होके तुमको चलना, कोई कितना भी विरोध करे, किसी की विरोध को परवाह नहीं करना। आज दिल्ली में सारी दुकानें तोड़ी जा रही, छोटी छोटी गलियां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, सड़कों सड़कों किनारे भी जो दुकानें हैं वो सब तोड़ी जा रही। सैकड़ों साल से पुराने लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको उसने खारिज कर दिया। हो अल्लाह मचाए आपको, वो नहीं झेलने वाला। आड़ आड़ कानून कानून, दिल्ली को नया बनाना है, जुनून सवार है। अब दिल्ली को नया न्यू मैन ही बनाएगा। दिल्ली को नया बनाने वाला, नया बनाने वाला न्यू मैन होगा, न्यू मैन आपकी वर्ल्ड होगा। दिल्ली तो सारी दुनिया का बीज है, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली में सब धर्मों ने राज्य किया है तो सब धर्मों का बाप चाहिए ना। दिल्ली को नया बनाने वाला, वो दिल्ली को बनाना नया बनाना चाहते हैं। Thank you.
फैमिली में अभी छोटे छोटे बच्चे सब है ना, लगभग 5 साल 7 साल 10 साल बच्चे सब भी है, उसका स्टेज क्या होगी? अच्छी होगी नहीं? वो बट्टी करना की बट्टी तो ज्ञान तो नहीं उतना समझेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान में आते हैं उससे ये साबित होता है कि पूर्व जन्म में ज्ञान में चल चुके हैं, इसलिए उन्होंने भले ज्ञान उतना नहीं उठाया है तो भी पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो उनको बाबा के सामने ले आता है। और उनकी उनकी जितनी प्रीति जुटती है ज्ञान में चलने वाले जो बच्चे हैं उनकी प्रीति बाबा साकार के साथ जितनी जुटती है उतनी औरों की नहीं जुट पाती, वो बच्चों का ही बनता है। उनकी बुद्धि में बाबा की याद छप जाती है, और जो विकारी मनुष्य है उनकी बुद्धि में याद उतनी नहीं टिकती, वो बच्चों का ही बनता है। हाँ समझ लो, उनकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध पवित्र है, या जो बड़े बड़े उम्र के मनुष्य है उनकी बुद्धि ज्यादा पवित्र है, उनकी बुद्धि में तो विकार भरे हुए वो है निर्विकारी महात्मा, तो उनकी बुद्धि में तो याद छपी हुई है, तो ज्यादा कंचन काया कौन बनेगा? पहले बच्चे पहले बने, तो बच्चे करने पड़ते ना, बड़े होंगे तो बच्चे भी कर लेंगे, फिर हो सकता है कि वो पुराने वालों से भी पीछे चले गए। बच्चे भी हो सर, 6 सर 8 सर भी है, बच्चे भी ऐसे होंगे जो कंचन काया बनाएंगे। हाँ मतलब दृष्टि जब देते हैं कभी कभी छोटा लोग है 4-5 है, कभी कभी बड़ा बड़ा सभा भी नहीं दृष्टि देते हैं, आप दृष्टि देने में आपका क्या प्रॉब्लम होता है, क्या सब क्या पोस्टिंग डिफरेंट होता है? तो देखने वाले जाने हमें क्या बात तो आपको पता चलता होगा। कंचन का शरीर कंचन का बनने का प्लेस मधुवन है शैली है, कंचन काया का स्थान से कनेक्शन नहीं है, कंचन काया का कनेक्शन है अपनी वृत्ति से, अपने अपने मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो संकल्पों में कहाँ तक सुधार हुआ है, सब संकल्प कहाँ तक चलते हैं, दुष्ट संकल्प कहाँ तक चलते हैं, दुष्ट संकल्प चलते हैं तो हमको देवानी बनाएंगे, सब संकल्प श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो हमको आत्माभिमानी बनाएंगे, हम जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे बीज को परिष्कृत करेंगे, बीज शुद्ध बनेगा तो जाल बढ़िया तैयार होगा, होगा तो भारत में भगवान आते हैं तो भारत में ही परिवर्तन होगा पहले ना। विदेश में तो वातावरण ज्यादा ही खराब है, कहाँ रहता बाबा वो 4.5 लाख बनता ना, 4.5 लाख आत्मा सभी कहाँ रहता है? सभी कहाँ रहता है? एक ही प्लेस पे रहता है कि अलग अलग रहता है? उसमें तो दो तरह के होंगे ना, एक तो पापात्माएं भी होंगे और उसमें पुण्यात्माएं भी होंगे। पाप आत्मा तो ज्ञान बहुत लेते हैं, ज्ञान बहुत सुनाते हैं, फिर पाप भी बहुत करते हैं, और जो विजय माला निकलेगी जो ज्ञान इतनी गहरी नहीं होती लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते बहुत हैं और शुद्ध पवित्र संकल्प में रहते हैं तो ज्यादा नई दुनिया में पहले कौन जावेगा? विजय माला जावेगी, विजय माला की मन के पहले जावेगी नई दुनिया में, या रुद्रमाला की मन के पहले जावेगी? पहले है इसलिए उनको वैसा स्थान चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए, तो नरक की दुनिया में ही उनको पवित्र स्थान तैयार मार्ग मिलता है। टोटल 4.5 लाख कंचन का, 4.5 लाख में 2.25 लाख विजय माला और 2.25 लाख रुद्रमाला का अब तक क्या हाल है, कितने साल से ज्ञान सुन रहे हैं एडवांस? अभी विजय माला रुद्रमाला में आ जाएगा, वो आ जाएगा तो वो आ जाएगा, विजय माला नहीं आ जाएगा, रुद्रमाला के मन के विजय माला में आना पड़ेगा। क्या रुद्रमाला विजय माला ऐसा पानी के पास जाएगा या पानी प्यासे के पास आएगा?
पवित्रता जो है वो इम्प्योरिटी को खींचती है, इम्प्योर को खींचती है, या इम्प्योर पवित्र आत्माओं को खींचता है? प्योरिटी होती है वो अपवित्र आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो भटकने वाले कौन हुए? रुद्र वाला के सज्जन फिर मंत्र के राजाओं को भटकना पड़ेगा। और विजय माला उनको स्थान मिलेगा, भटकना उनको पड़ेगा जो ज्ञान में चलते हुए भी ग्लानी कराने के निमित्त बनते हैं। ज्ञान में चलते हैं और विकारी बनते हैं तो ग्लानी कराने के निमित्त बनेंगे या गायन कराने के निमित्त बनेंगे? वाइब्रेशन खराब कर दिया ना, जहाँ सभा में बैठे हैं वहां भी वाइब्रेशन खराब करें तो ग्लानी कराने के निमित्त हुए ना, सर्विस नहीं बढ़ पाती। सर्विस जो बढ़नी चाहिए वो सर्विस बढ़ नहीं पाती, ठहर जाती है। तो इसलिए बोला है कि सदगुरु निंदक ठहर लो, बार बार तपस्या करेंगे और बार बार दुनिया में जाकर के कंट्रोल करने के लिए अहंकार में आ गए, फिर पतित बनेंगे, फिर बाप के पास पहुंचेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर पावन बनेंगे। ये शूटिंग यहाँ होती रहेगी। जैसे 63 जन्मों में क्या होता है, 21 जन्मों में तो अभी संगम युग की प्रारब्ध एक बार बन गई तो 21 जन्म तक भोगते रहते हैं, और 63 जन्मों में क्या होता है, इस जन्म में करो और अगले जन्म में वो राजा बन गए तो प्रभुता पाए का ही मजा नहीं, अहंकार करता ही करता है। संगम युग में सारी शूटिंग होती है, कोई संगम युग में अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई उतना पुरुषार्थ अच्छा नहीं करते, कोई को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है और दूसरों के ऊपर बड़ी धौंस जमाते हैं, बहुत अहंकार दिखाते हैं, सब तरह के हैं। साढ़े 4 लाख में 2.25 लाख तो विजय माला है और 2.25 लाख रुद्र माला है, वो भी नंबर वार है, सब एक जैसे नहीं है। रुद्र माला के मणकों को विजय माला में ऐड किया जाएगा। कौन से मणकों को ऐड किया जाएगा? जो विकारों के ऊपर विजय पाते जाएंगे। जब तक विकारों के ऊपर विजय नहीं पाएंगे तब तक दुनिया में उनको भटकना पड़ेगा, विनाश होता रहेगा और विनाशी दुनिया में उनको काटना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी। नरक में स्वर्ग का वास्ता देता हूँ तब तो बाबा बोला ना, कोई प्लेस दिल्ली है मतलब कहा तो यमुना के कंठे पर तुम्हारे संगठन रूपी महल होंगे। हम तो फाउंडेशन भी पढ़ रहा है तो भी नहीं बुद्धि में आ रहा है, मधुबन दिल्ली मधुबन में बना है, नई दुनिया का फाउंडेशन मधुबन में पड़ गया है। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो वहाँ मधुबन, माउंट आबू मधुसूदन है, मधुसूदन कौन है? मधुसूदन है जो बाबा का टाइटल है। मधु और कैटम दो राक्षस थे, मधुमानी मीठा बहुत लगता था, मधुमाना मीठा बहुत लगता था, और कैटम कड़ुआ, एक बहुत मीठा और एक बहुत कड़ुआ। तो इन दो राक्षसों ने, काम और क्रोध दो राक्षसों ने बहुत हड़कंप मचाया हुआ था दुनिया, तो मधु को मार दिया, उनका नाम पड़ा मधु सूदन। तो शिव बाबा के टाइटल है, मधुबन में बैठ करके मधुसूदन बनता है क्या है? मधुबन में बैठ करके तो नहीं बनता है, मधुबन वो है भी नहीं। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति हो और बेहद की बैराग वृत्ति भी,
मान तो देह भी वैराग्य वृत्ति है कि साधन सब इकट्ठे करते चले जा रहे संगठन का ये तो दृश्य समझ में आ रहा है वो कैसा वो सकरण बनता 4.5 लाख वो साल वो प्लेस क्या वो तो बता तो दिया ये पांडवों के किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके बुद्धि नहीं आता हाँ और मुरली में भी आए थे कि नवदा भी पूरा सा स्वर्ग में नहीं आएंगे नौलाख पूरा स्वर्ग में कहाँ होते हैं स्वर्ग तो 2036 के बाद कहा जाएगा उससे पहले कहा जाएगा पहले जो होगा वो बैकुंठ होगा बैकुंठ का गायन है स्वर्ग जिसे कहा जाता है तो स्व स्थिति में सब स्थित होते हैं क्या है नंबर बार होते हैं 16108 जो अंत तक आने वाला है वो अभी प्रत्यक्ष होंगे ऐसे एक मुरली में आ गया ऐसे ही प्रत्यक्ष होंगे जैसे अष्टदेवों में से अभी दो प्रत्यक्ष हुए ओ 16108 जो अंत तक आने वाला है अंत तक आएंगे अंत तक आवेंगे तभी तो 9 लाख के साथ 16,000 जुड़ेंगे 9 लाख प्रजा होगी तो उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले 16,000 राज परिवार के भी होंगे राज परिवार के नहीं होंगे तो कुंभ प्रजा भी नहीं होगी राज परिवार वाले संपन्न बनेंगे तो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा संपन्न बनेगी जितने जितने राजाओं का संगठन बनता जाएगा उतनी उतनी प्रजा भी बनती जाएगी अभी नई दुनिया की सौगात दी है तो नई दुनिया में सिर्फ दो ही होंगे या और भी साथी होंगे और भी होंगे ना लेकिन वो उतनी सेवाधारी नहीं होंगे कितने जितने जो मुख्य पाठ बजाने वाले सेवाधारी होंगे राजाएं कम होते हैं और प्रजा जाती होती है और लेकिन होगी यथा राजा तथा प्रजा ज्योतिर्बिंदु है ना वो ज्योतिर्बिंदु को भी मन और बुद्धि रहती मन होता है उसको ज्योतिर्बिंदु शिव को वो मन अमन होता है या मन होता है? है मन तो चंचलता करता है बुद्धि है बुद्धिमानों की बुद्धि है मन वालों का मन है ऐसे कहीं कहा शिव क्या है बुद्धिमानों की बुद्धि है या मन वालों का मन नहीं बुद्धि है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है मन तो ब्रह्मा है अब्बल नंबर मन कौन है ब्रह्मा है देवताएं है ना अंत तक आएंगे इसलिए क्या हो सत्य साई बाबा और अमरदानंद भाई ऐसे ऐसे लोग जो भी आते हैं उनको लाखों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं हाँ? क्या ये भी 10-3 करोड़ में एक देवता है लास्ट में आने वाले बिल्कुल जो भी अच्छी अच्छी आत्माएं उतर रही है वो देवात्मा ही उतर रही है उनका उनका परिवार भी बड़ा होता है उनका संगठन भी बड़ा होता है क्योंकि पवित्र आत्माएं उतर रही है और उसमें भी अगर देवता गर्भ की आत्माएं 33 करोड़ लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी लेकिन है कलयुग ही क्या और सतयुग के सुख उन्होंने नहीं देखे माने शूटिंग पीरियड में जब लास्ट टाइम आता है तब उनकी बुद्धि में बैठता है तब तक उनकी बुद्धि में बैठता नहीं इसलिए अंत में जब
सीखा पुरुषार्थ करते हैं तो अंत समय की उनको प्राप्ति हो जाती। सतयुग आदि की शूटिंग में जो आ गएंगे वो सतयुग आदि में आ गएंगे, कलयुग अंत की शूटिंग में आ गएंगे तो वहां प्राप्ति करेंगे। और वाली ने बाबा ने बताया इस वर्ष मुक्ति दर्श मनाने के लिए बताया मुक्ति दर्श बेहद का अर्थ में क्या बाबा मुक्ति वर्ष मनाओ मना जो भी बाबा बोलते हैं वो विशेष आत्माओं के लिए बोलते होंगे या सबके लिए बोलते हैं? कोई विशेष पुरुषार्थी है जो दुनिया के वाइब्रेशन से मुक्त बनने का उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा तो विशेष वर्ष वो उनके पुरुषार्थ के आधार पर घोषित कर दिया, जैसे प्रत्यक्षता वर्ष। प्रत्यक्षता वर्ष जो घोषित किया तो किसके आधार पर घोषित किया? कोई बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप के रूप में कुछ विशेष ब्राह्मण आत्माओं के बीच में बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती। तो ऐसे ही जो जो वर्ष घोषणा की है वो कोई विशेष पुरुषार्थियों के आधार पर घोषणा हुई, सबके लिए नहीं। और आए थे कि दर्जा कम होने पर अपने ऊपर नफरत होगा। हाँ दर्जा जाओ तो रिजल्ट निकलेगा। और बापा की आठवां मंडल बनाते हैं स्वर्ग। नौवां मंडल क्या होता है? नौवां मंडल होता ही नहीं, आठ मंडल है। सात मंडल मनुष्यों के बनाए हुए हैं, क्या अष्ट देवताएं हैं? अष्ट देवताओं में सात मनुष्य जो देवता का पाठ बजाने वाले और आठवां जो है वो देवदेव महादेव भगवान का पाठ बजाने वाला। तो भगवान क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। तो वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे अच्छा वर्ड वो वंडर। लेकिन एक शुरू में बोले बाप कहते हैं नौ अंडर है। हाँ नौ अंडर है, क्या बताया नौ अंडर? नौ अंडर है जो नौवा रतन है उसकी तो वैल्यू भी नहीं है, तो वंडरफुल कैसे हुआ? वो तो सिर्फ है और आठ रत्नों की वैल्यू दिखाने के लिए है, कंट्रास्ट करने के लिए। ये माया का पंप एंड शो ही आज की दुनिया का नौवा वंडर है, जिसमें सारी दुनिया भ्रमित हुई पड़ी है। थोड़े दिनों के लिए ये पंप एंड शो दिखाई पड़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? एटम बम फटते जाएंगे और बड़ी बड़ी बैल माणियां अटारियां मल्टी मिलियनायर्स की गिरती चली जा रही है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा बात अपना अपना है, अपना अपना बात जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अपने बात के ऊपर अपने पूरा खुश हो जाएंगे। ऐसे कहा जो पार्ट होगा वो अपने पार्ट से खुश हो जाएगा तो उसको वो अपना पार्ट ही अच्छा लगेगा, क्या दूसरों का पार्ट अच्छा नहीं लगेगा? जो विलियन का पार्ट धारी होगा ना वो भी अपने पार्ट से खुश होगा। वो हीरो बनना पसंद नहीं करेगा, वो अपने पार्ट को खुश होगा, वाह देखो मैंने क्या पार्ट बजाया। भगवान की भी ऐसी तैसी कर दी, उनको मालूम पड़ जाता है पार्ट विलेन है। अपना अपना पार्ट मालूम नहीं पड़ेगा विलेन को, अभी नहीं पता पड़ रहा होगा। अरे जब 12 प्रत्यक्ष होंगे सूर्यवंशी तो उसमें से विनाशकारी है कौन है वो उनको पता नहीं चलेगा है? इम्प्योरिटी जो होता है विनाश और प्योरिटी जो होती है स्थापना। तो
दर्जा और काम होने पर अपने ऊपर नफरत आएगा, ये कैसे? नफरत तो आएगी ना, नफरत जब नंबर नीचे हो गया और पता चलता है कि जितना जितना नंबर नीचे है उतना सुख भी कम मिलेगा, शक्ति नंबर जितना ऊंचा है तो सुख भी ऊंची कोटि का मिलेगा। जब नंबर नीचे होगा तो ऊंचे नंबर वालों के सामने दास दासी बनना पड़ेगा या सर उठा के रहना पड़ेगा? दास दासी बनना पड़ेगा तो दुख नहीं आएगा। राजगद्दी होती है राम की, तो राम की गद्दी में तीन भाइयों को तो दास दासी के रूप में दिखाया गया। एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ है तो ये दास दासी के रूप में क्यों दिखाया गया है? अर्जुन से निकला तो पद नीचा हो गया, तो नफरत तो आवेगी ना कि हमने ऐसा पुरुषार्थ क्यों किया। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है वो दास दासी का पार्ट बजाने वाले भी जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां कोई दास दासी नहीं रहेंगे, वो भी संपन्न स्टेज को प्राप्त होंगे, उनका भी पुरुषार्थ पूरा होना है। संपन्न आत्मा बनेंगे, दास दासी के दास दासी नहीं रह जाएंगे। और राम और लक्ष्मण वनवास जाने हैं और वनवास जाने से भरत राज्य नहीं करेंगे ऐसे कहेगा, फिर वो राम से आकर पूछेगा और राम ने उसको जूता दे देगा, बता रहे हैं ना। ये जूता का बात क्या है बाबा, ये क्यों है? जूती किसे कहा गया? जूती किसे कहा जाता है भारतवर्ष में? जूती किसको कहते हैं? पत्नी को जूती कहते हैं। माना राम वाली आत्मा की जो भी सहयोगिनी शक्तियां बनती हैं, वो उन सहयोगिनी शक्तियों को जब वो जंगल में बात करता है, क्या जंगल माने कांटों के जंगल में, तो जूतियों को साथ लिए लिए थोड़े ही फिरता है, तो वो जूतियों के ऊपर उनको अर्पण कर देता है, तुम चलाओ उनको, देखो संभालो। जब स्टेज अच्छी होती है तो वो उनकी पूजा करता है जूतियों की। कौन? इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का जो बीज है वो उन जूतियों की पूजा करता है। पूजा करता है माना पवित्र दृष्टि से देखता है। राज करेगा खालसा तो पूजा कौन करेगा? उस समय किसकी पूजा करेगा? सिंगल की पूजा करेगा या डबल की पूजा करेगा? युगल की पूजा करेगा, सिंगल की पूजा करता है। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी होते हैं खरा और गुमरा। साकार पालना और अव्यक्त पालना में क्या अंतर है? साकार पालना और अव्यक्त पालना में क्या अंतर? साकार पालना अष्टदेवों की होती है और जो निराकार पालना है वो दूसरे दूसरे धर्म वाली आत्माएं जो है वो निराकारी स्टेज में टिकती हैं, वो अव्यक्त स्टेज प्राप्त करती है। गोपियां साकार को पसंद करती हैं या निराकार को पसंद करती हैं? तो साकार को पसंद करती है और साधु संत महात्मा है तो निराकार को पसंद करते हैं। सेवा अलग अलग है ना बाबा, सेवा करना भी अलग अलग है, एक तो शरीर से सेवा करना, एक तो वाचा से करना, चाहे कर्मणा सेवा हो चाहे वाचा सेवा हो चाहे मनसा सेवा हो, है सबके 100 नंबर। क्या कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर है? 100 नंबर 100% मार्क्स, और वाचा सेवा करने वालों को भी 100% मार्क्स है, कर्मेंद्रियों से सेवा करने वालों को भी 100% मार्क्स है, और जो मनसा से सेवा करते हैं उनको भी 100% मार्क्स है। लेकिन अगर कोई करुणा सेवा नहीं करता है, सिर्फ वाचा की सेवा करता है, तो 100% मार्क्स उसकी कम हो जाएगी ना। बहुत से ऐसे होते हैं ज्ञान सुनाएंगे, बहुत
गुरानी की अच्छी सेवा करते हैं सेंटर में रहकर भी, लेकिन करना सेवा कुछ भी नहीं आती या करते भी नहीं, तो 100 मार्क्स उनके कम हो जाएंगे ना, फिर घाटा पड़ेगा या फायदा होगा, घाटा पड़ जाएगा। इसलिए ऑलराउंडर होना चाहिए, मनसा में भी सीखे, वाचा में भी सीखे और कर्मा सेवा करने में भी सीखे। मन का सेवा वो ही कर सकेंगे जिनका मन लगा हुआ होगा एक में। अगर अनेकों में मन भागता है तो मन कमजोर हो जाए। भाई ये बैटरी है ना अपने सर, कोई छोटी बैटरी कोई बड़ी बैटरी, लेकिन जो भी बैटरी है वो बैटरी का बैटरी से कनेक्शन किया जाएगा तो क्या होगा, दूसरी बैटरी से चार्ज हो। और एक है जनरेटर, कितना भी कनेक्शन करो वो भरता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो शिव जो है वो क्या है, जनरेटर है। उससे अगर योग लगाएंगे तो भरता ही जाएगा। तो मंत्र सेवा में क्या संकल्प होगा, क्या बात कर रहे हैं, मंत्र सेवा कैसे करें, क्या करूं, मंत्र को पहले मजबूत बनाओ पवित्र बनाओ तो मंत्र सेवा बढ़िया होगी। मंत्र शरीर मजबूत होगा तो तन की सेवा भी अच्छी होगी, वाचा मजबूत होगी तो वाचा की सेवा मजबूत होगी, मन मजबूत होगा तो मन की सेवा भी अच्छी होगी। मन को एकाग्र बनाना पड़े, क्या है क्या हो, मन एकाग्र होगा तो कोई भी पॉइंट किसी को समझाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, उसकी गहराई में उसको समझा सकेंगे। मन एकाग्र नहीं है, चंचल है, तो चंचल मन जो है वो किसी पॉइंट की गहराई में जा नहीं सकेगा, खुद नहीं जा सकेगा, दूसरों को भी नहीं समझा पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई की है। कोई की सेवा करो, वाचा सेवा करो तो बाबा की याद में रह करके सेवा करनी चाहिए, बाबा की याद में रह करके, बाबा के प्यार में रह करके, बाबा के लब में नील होकर के कोई को समझा देंगे तो उनको तीर लगेगा। क्या और देह अभिमान में आकर के समझाया सुनेगा भाग जाएगा, प्रॉब्लम है। और रोगी बनाता कौन है और निरोगी बनाता कौन है, इसलिए कारण कौन बनता है निरोगी और रोगी बनाने का, बनने का, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। ये मित्र और शत्रु कब बनता है, संगम में बाप आकर के रास्ता बताते हैं, बाप के रास्ते पर चलते हैं तो मित्र हैं आत्मा के, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं उल्टा रास्ता अपनाते हैं तो आत्मा के शत्रु बन गए। कलयुग के अंत में सब अपवित्र है या पवित्र है, सब अपवित्र है, तो कैसे पवित्र बनते हैं, याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं, पवित्र बुद्धि बनती है तो याद अच्छी आती है और अच्छी आएगी। लेकिन फिर पवित्र बुद्धि है और फिर विचारी बुद्धि बन पड़े, कोई देहधारी से लगाव लग गया या उससे रजरज की बातें करने लगे, अपना पोता मिले उसके सामने खोलने लगे, लगाओ लगा तो फिर क्या होगा, बुद्धियों को टूटेगा ना, बुद्धियों को टूटेगा माने ये होगा भ्रष्ट हुए। तो जितनी पवित्रता को अपना अरस परत है, पवित्रता से याद बढ़ती है और याद करने से पवित्रता बढ़ती है।